हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्टिनेंट, हमारे अर्थ सरफेस के विजिबल 7 ग्रेट लैंड मासेस को एज अ कॉन्टिनेंट डिस्क्राइब किया जाता है। जनरली ये सभी कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से ह्यूज वाटर बॉडीज के द्वारा सेपरेट होते हैं। सबसे पहले एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में ये नोटिस किया एंड प्रपोज्ड किया कि ये सभी ग्रेट लैंड मासेस एक सिंगल प्रोटो कॉन्टिनेंट के रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ के इंटीरियर प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ये टू सेपरेट कॉन्टिनेंट लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गए। स्लोली प्रेजेंट डे में लॉरेशिया ने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में, एंड गोंडवाना लैंड ने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के रूप में अपनी पोजीशन एज्यूम्ड कर ली। आज हम अपने इस वीडियो में इन्हीं कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल से समझेंगे थ्रू द पिक्चर्स। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये नोटिस करेंगे कि इन कॉन्टिनेंट्स के मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड हैं, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। एरिया वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ये इस प्रकार हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले शुरू करेंगे ह्यूज कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया से। ये अर्थ का सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, जो मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ये 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड 28 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स तक एक्सटेंड करता है। ये अर्थ के टोटल 30% लैंड एरिया को कवर करता है। ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन से, साउथ में इंडियन ओशियन से एंड वेस्ट में इनलैंड सीज ऑफ द अटलांटिक ओशियन, द मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी से बाउंडेड है। एशिया कॉन्टिनेंट की कोस्ट लाइन लगभग 62,800 किलोमीटर तक मार्क की गई है। विश्व की सबसे लार्जेस्ट कंट्री रशिया, मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना एंड स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव्स इसी कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, इस कॉन्टिनेंट में 49 कंट्रीज़ हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। जब ये कॉन्टिनेंट यूरोप के लैंड मास से मिलता है तो ये कंबाइंड लैंड ऑफ मास यूरेशिया कहलाता है। यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट यूराल माउंटेन रेंजेस, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के द्वारा सेपरेट होते हैं। अब जानते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। ये एशिया के बाद वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। ये अर्थ सरफेस के 20% लैंड एरिया को कवर करता है, जो 37 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ टू 35 डिग्री 50 मिनट साउथ लैटिट्यूड्स एंड 20 डिग्री वेस्ट टू 52 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सिचुएटेड है। इस कॉन्टिनेंट का बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ये एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों ही लैटिट्यूड लाइंस होकर गुजरती हैं। ये थ्री साइड्स से ओशियंस से घिरा है। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट में इंडियन ओशियन एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशियन। इसी कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी पाया जाता है। काफ़ी लंबे समय तक इसके स्लो डेवलपमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ रहने के कारण इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था।
इस कॉन्टिनेंट में 54 सेवरन अफ्रीकन कंट्रीज एंड टू डिस्प्यूटेड एरियाज नेमली सोमाली लैंड एंड वेस्टर्न सहारा हैं। नॉर्थ अमेरिका साइज के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये कम्प्लीटली वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमस्फीयर में सिचुएटेड है। ये 20 डिग्री वेस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड 8 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स तक एक्सटेंड करता है। यहाँ टोटल कंट्रीज 23 हैं। ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन से, साउथ में कैरिबियन सी से, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन से बाउंडेड है। ये साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो स्थित में सॉफ पनामा कहलाता है से जुड़ा है। ये कॉन्टिनेंट क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में डिस्कवर किया गया था। ये अर्थ सरफेस के 60.5% लैंड एरिया को कवर करता है। इस कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट मैंक किनले है जिसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है और डेथ वैली इन कैलिफोर्निया यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है जो 86 मीटर बिलो द सी लेवल है। अब आता है फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इंटायरली वेस्टर्न हेमस्फीयर में सिचुएटेड है जिसका मोस्टली पार्ट सदर्न हेमस्फीयर में एंड रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है जो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड 35 डिग्री वेस्ट टू 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में एक्सटेंड करता है। ये वेस्ट में पैसिफिक ओशियन से, नॉर्थ एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशियन से घिरा है। यहाँ टोटल 15 कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स, लार्जेस्ट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडस एंड वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड हैं। ये अर्थ के 12% लैंड एरिया को कवर करता है। अंटार्कटिका ये वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है जो थ्रू आउट द ईयर फ्रोजन बना रहता है। ये 2 to 5 किलोमीटर बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, इसलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसके साउथ पोलर रीजन में लोकेटेड होने के कारण यहाँ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं पाया जाता, लेकिन 12 से भी ज़्यादा रिसर्च स्टेशन लोकेटेड हैं जो अराउंड 30 इंडिविजुअल कंट्रीज के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ये अर्थ के 8.9% लैंड एरिया को कवर करता है। यूरोप यूरोप कॉन्टिनेंट इंटायरली नॉर्दर्न हेमस्फीयर के बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड मोस्टली ईस्टर्न हेमस्फीयर में लोकेटेड है। ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन से, साउथ में मेडिटेरेनियन सी से, ये ईस्ट में एशिया कॉन्टिनेंट से बॉर्डर है। ये अर्थ के 6.8% लैंड एरिया को कवर करता है। ये एशिया से यूराल माउंटेंस, यूराल रिवर एंड कैस्पियन सी के द्वारा सेपरेट होता है। यूरोप 50 कंट्रीज़ के द्वारा शेयर किया जाता है। यहाँ मोस्ट इंटेंडेंट कोस्ट लाइन होने के कारण वर्ल्ड के न्यूमरस पोर्ट्स एंड फाइनेस्ट हार्बर्स पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लार्जेस्ट आइलैंड है जो इंटायरली सदर्न हेमस्फीयर में लोकेटेड है। ये 10 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 114 डिग्री ईस्ट टू 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के मिडिल से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है,
इसे 6 सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया नेम लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलिस से लिया है जिसका मीनिंग सदर्न है। ये अर्थ सरफेस के 5.2% लैंड एरिया को कवर करता है। हमारे अर्थ सरफेस पर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स को रिलीफ फीचर्स के फर्स्ट ऑर्डर के रूप में इंक्लूड किया जाता है। जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये कॉन्टिनेंट अपने प्लेस से बार बार शिफ्ट होते रहते हैं एंड प्रेजेंट में इस आइडियोलॉजी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेस पर प्रूव कर दिया गया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।